हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सिक्स ऑफ जनवरी 2023 6 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे Uh, शुरू करने से पहले आज के सवाल देख लेते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड आई होप आप वो सवाल लगा पाएँ आप कर पाएँ पहला सवाल जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीट डोम आर करेक्ट हीट डोम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ हीट डोम अकर्स वेन एन एरिया ऑफ लो प्रेशर ट्रैप्स वॉम एयर ओवर अ रीजन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इट आल्सो प्रिवेंट्स क्लाउड फॉर्मेशन कॉजिंग मोर सन रेडिएशन टू रीच द अर्थ सरफेस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी यानी कि टू ओनली पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हीट डोम होता है तब जब एक एरिया ऑफ हाई प्रेशर ट्रैप कर लेता है एयर को और जितनी देर तक एयर ट्रैप्ड रहती है उस हाई प्रेशर के अंतर्गत उतनी देर तक सन की जो रेडिएशन है उसको हीट करती रहती है तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता रहता है हीट डोम बेसिकली इसे कहते हैं एरिया ऑफ हाई प्रेशर ट्रैपिंग द एयर है ना फिर उसका वार्म होती रहती है वो सोलर रेडिएशन से तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन ऑफिशियल डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रिलीज बाय ऑफिशियल डेटा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का कौन रिलीज़ करता है चार चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं आई uh, होप आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप लोग कि कितने आपने सही किए द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड तीसरा सवाल है स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डी लिमिटेशन कमीशन ठीक है तो डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है बॉडी हुज ऑर्डरस के नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है थ्री मेम्बर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है हैं ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज एंड मॉडिफिकेशनस आर नॉट परमिटेड तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है वन एंड टू वन आनली टू एंड थ्री या थ्री द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अगेन एक एक करके देखें पहला स्टेटमेंट देखो वही गलत है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखा हुआ है हुज ऑर्डरस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इट इज इट इज़ अ थ्री मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी सेकेंड एंड थर्ड टू थ्री विल बी दी आंसर फॉर दिस आपसे बन गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ अब ये आज का सी सैड क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे इसमें जो रेक्टेंगल बने हुए हैं द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेल्स रेक्टेंगल मेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन urban, अर्बन को और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड को एंड ट्राएंगल रिप्रेजेंट करता है सिविल सर्वेंट्स को ठीक है ना रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन को स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड को एंड ट्राएंगल रिप्रेजेंट कर रहा है सिविल सर्वेंट्स को तो पहला सवाल है नंबर इंडिकेटिंग द अनएजुकेटेड अर्बन मेल्स अनएजुकेटेड अर्बन मेल्स कौन कौन से हैं कितने हैं ये आपको बताना है कौन सा नंबर रिप्रेजेंट uh, कर रहा है फिर दूसरा सवाल है द नंबर इंडिकेटिंग द एजुकेटेड अर्बन मेल्स हु आर नॉट सिविल सर्वेंट्स एजुकेटेड है अर्बन मेल्स है लेकिन सिविल सर्वेंट्स नहीं है कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरा सवाल है द नंबर इंडिकेटिंग एजुकेटेड सिविल सर्वेंट्स हु आर मेल्स बट नॉट अर्बन एजुकेटेड हो सिविल सर्वेंट्स हो मेल्स हो लेकिन अर्बन ना हो ठीक है ना तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीस थ्री क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस डायग्राम अगेन जैसे मैंने बताया वो फिर से देख लेना रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है मेल्स को सर्कल रिप्रेजेंट करता है अर्बन को स्क्वायर uh, रिप्रेजेंट करता है एजुकेटेड को एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है सिविल सर्वेंट्स को आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं तो पहली जो न्यूज़ है वो आपको दिख रही होगी फ्रंट पेज की सुप्रीम कोर्ट थॉट्स एविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी अब हल्द्वानी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए पहली चीज़ तो हल्द्वानी आपका उत्तराखंड में है ठीक है ना अब यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पर रेलवे के लैंड में कुछ लोग रह रहे थे ठीक है ना सम पीपल वर लिविंग इन द रेलवे लैंड अब रेलवे लैंड पे वो रह रहे थे बहुत सालों से कुछ ऐसे भी उनमें से जो पचास पचास सालों से वहाँ रह रहे हैं तो दिक्कत इसमें क्या हो गई दिक्कत ये हो गई कि जो आपका जो जो रेलवे है अब वो इनसे लैंड खाली कराना चाहता है लैंड खाली कराने के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो लोग कह रहे हैं हम चालीस पचास साल से रह रहे हैं तो हम ऐसे तो नहीं खाली करेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी वही कहना है कि देर इज अ अवमेनिटेरियन एंगल इन्वॉल्व इन दिस एंड बिफोर वी एक्ट हैफाजली और इस तरीके से हम उनको सीधे निकाल दें उसके पहले हमको ये चीज़ ह्यूमन एंगल को सोचना पड़ेगा उनको रिहेबिलिटेशन करने का हमको कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा सिंपल सी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो ये हल्द्वानी का केस आप समझ के रखेगा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो बोला वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी आप इसको दिमाग में रखिएगा ठीक है ना आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव हेड विद मी आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव हेड विद मी आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे आ, देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ है डस्क डिसेंट्स ऑन द बीडी रोलर्स ऑफ मुर्शिदाबाद ठीक है ना तो डस्क डिसेंट्स ऑन द बीडी रोलर्स ऑफ मुर्शिदाबाद तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद नाम की जगह आप सबको ताकि वेस्ट बंगाल में है और ये बीडी मेकिंग का हॉट स्पॉट है इट इज़ ए हॉट स्पॉट ऑफ बीडी मेकिंग एंड बहुत सारी महिलाएं स्पेशली जो वुमेन हैं वो मुर्शिदाबाद में बीडी मेकिंग का काम करती हैं अब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो आप लोग लिख लीजिए मेरे हिसाब से तो पहली जो मेजर प्रॉब्लम है वो है लो वेजेस द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम इज़ लो वेजेस सेकेंड मेजर प्रॉब्लम इज वर्क थर्ड इज इल हेल्थ एज रिजल्ट ऑफ द जॉब ठीक है ना ये सारी प्रॉब्लम्स है लो वेजेस की प्रॉब्लम है इरेगुलर वर्क की प्रॉब्लम है एंड इल हेल्थ इल हेल्थ एज रिजल्ट ऑफ देयर जॉब ये सारी जो प्रॉब्लम्स है मेजर प्रॉब्लम्स है ठीक है ना एंड इट ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर पुटिंग द लाइवलीहुड ऑफ दिस वमेन एट रिस्क इसके अलावा वेजेस इतने कम है वहाँ पे कि उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है मतलब अगर एक महिला अपनी फुल स्पीड में काम करे तो लगभग वन थाउजेंड बीड़ी वो रोल कर सकती है डेली मुर्शिदाबाद में लेकिन इस वन थाउजेंड बीड़ी को रोल करने पर भी उनको दो सौ रुपये से भी कम प, 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 मिलते हैं मतलब लेस देन टू हंड्रेड दे गेट लेस देन टू हंड्रेड पर डे तो इस तरीके से उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है आज की महंगाई इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो तो ऑल दिस थिंग्स आते हैं आर केवल ये है उसके बाद उनके ऊपर हेल्थ हेजर्ड्स भी हैं हेल्थ रिस्क भी हैं और अगर वो गलती से भी बीमार होंगे तो पूरा का पूरा अपने अपने आपका हेल्थ सिस्टम भी ऐसा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है खर्चा बहुत ज़्यादा होता है तो मतलब कि एक तरीके से उनका जो प्रॉफिट होना चाहिए जो उनके लाइवलीहुड से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता इन इनफैक्ट दे आर मच मोर इन अ ट्रबल्ड स्टेट लाइक दैट है ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसके अलावा वो इस कई बार लोकल महाजन या जो मनी लेंडर हैं उनके उसमें जाल में फंस जाते हैं ना ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हज़ार बीड़ी रोल करने पर उनको केवल एक या उससे मतलब उतने मिलते हैं अगर ढंग से मिले तो, तो इसको बढ़ाने की भी मांग चल रही है प्लस इसको कुछ प्रोटेक्शन देने की मांग चल रही है तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है हरियाणा शुगर केन फार्मर्स किक एजिटेशन, सीकिंग हायर सपोर्ट प्राइस तो अब हरियाणा के जो शुगर केन ग्रोवर्स हैं वो एक हायर सपोर्ट प्राइस डिमांड कर रहे हैं तो अब ये डिमांड तो ठीक है चलो कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूँ शुगर केन के बारे में शुगर केन का जो सपोर्ट प्राइस होता है उसको बोलते हैं एफ यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस का अप्रूवल कौन करता है कि कितनी होगी ये सेट कौन करता है तो इसका अप्रूवल करता है सी सी ए सी सी एन किबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यही हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है और सीसीईए ही हमारा जो एमएसपी होता है ना उसका भी अप्रूवल करता है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रिकमेंडेशन कौन करता है तो रिकमेंडेशन सी करता है सी है ना कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस बोलता है सो कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस वो इसका रिकमेंडेशन uh, करता है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज शुगर केन के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर ऑफ 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एनुअल रेनफॉल लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल जहाँ पर रेनफॉल कम है वहाँ पर इरीगेशन भी चाहिए एंड इट कैन बी ग्रो ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड इसमें मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए फ्राम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील एंड मेन सोच सोर्स ऑफ शुगर है इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड़ जिसको जैगरी बोलते हैं खंडसारी बोलते हैं इन सभी का मेन सोर्स है शुगर केन एंड द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है महाराष्ट्र है कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार पंजाब एंड हरियाणा सो दीज स्टेट्स आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स तो ये बातें तो शुगर किन्स रिगार्डिंग थी आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है तो यहाँ पे एक न्यूज तो है तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तिरुपति जो है विच इज इन आंध्र प्रदेश इट विल इट विल गेट द लार्जेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन इन इंडिया कंट्रीज लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा ये कंट्रीज़ लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड ये फाइटोरिड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा इट विल यूज़ द फाइटोरिड टेक्नोलॉजी राइट डाउन दिस नेम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है सबसे बड़ा कंट्री का लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ये तिरुपति में आएगा आंध्र प्रदेश एंड इट विल यूज़ द फाइटोरिड टेक्नोलॉजी ठीक है ना फाइटोरिड टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूँ तो ये डेवलप की है सी के नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नीरी जिसको हम बोलते हैं है ना नीरी ने सी का इंस्टीट्यूट है ये नीरी एंड इसने डेवलप की है फाइटोरिड टेक्नोलॉजी इसमें होता है क्या कि वेस्ट वाटर जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में पहले

इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद वाटर को पास कराया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर से

जिसका यूज किया फाइटोरेट टेक्नोलॉजी इसका नाम है एशियन एलिफेंट हैज़ लॉस्ड मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमम हैबिटाट इन नीलगिरी रिजर्व तो जो एलिफेंट वाइंडिंग देयर वे अपी तो ग्रीन हिल्स इन द नीलगिरी बायसो रिजर्व मेक्स फॉर प्रटी फोटोग्राफ यहाँ पे ऑथर ने जैसे बात की है उसकी जो एम्बियंस है उसकी बात की है लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ऑथर ने कही कि जो एशियन एलीफेंट है विच आर इंडेंजर्ड आप याद रखिएगा कि एशियन एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड है आयुसिनियर क्लासीफिकेशन के मुताबिक उनका मोस्ट ऑफ द हैबिटाट हैज़ बिन लॉस्ड है ना मोस्ट ऑफ द ऑप्टिमम हैबिटाट हैज़ बिन लॉस्ड

स्कारपमेंट जिसको बोलते हैं बाद में जो बचा को पाट रहता है उसका स्कार्पमेंट बोलते हैं एंड इट इज इंटरप्टेड टुवर्ड्स द साउथ बाय लो लिंग पालघाट गैप एक पालघाट गैप भी है जो कि पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है जिसको सेपरेट करता है नॉर्थ फ्रॉम द साउथ एलिफेंट पॉपुलेशन को ये सेपरेट करता है है ना और ऑथर ने भी कहा कि काफ़ी जो रीजन था इसमें अब ये क्या बहुत स्मॉल स्ट्रेचेज बचे हैं पहले बड़े बड़े स्ट्रेचेस रहा करते थे एलिफेंट कॉरिडोर्स बड़े बड़े स्ट्रेचेस रहा करते थे बट लोगों ने क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने लगे हैं उस लैंड को और एग्रीकल्चर के कारण जब यू यूज होता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एलिफेंट्स के मूवमेंट के लिए यानी उनके नेविगेशन नि, के लिए बहुत कम जगह बचती है अब देखो बहुत कम जब जगह बचेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे दिक्कत क्या होगी कि उनको इन मतलब इन ब्रीडिंग करनी पड़ेगी इंटर ब्रीडिंग करनी पड़ेगी अब जब वो इन ब्रीडिंग ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो डाइवर्सिटी है जेनेटिक डाइवर्सिटी वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि खुद के ही एक ही तरीके के जीन्स में डाइवर्सि वो करते रहेंगे है ना ब्रीडिंग तो ये डायवर्सीफाई नहीं हो पाएंगे एंड जब डायवर्सीफाई नहीं हो पाएंगे तो उसका खामियाजा ये होगा कि डिसीज़ की चांसेस ज्यादा रहेंगे एंड लोअर फर्टिलिटी रेट्स रहेगा और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रिस्क में भी रहेगी तो ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दैट आई होप यू गॉट क्लैरिटी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना मोस्ट एलिफेंट रिजर्वस इन इंडिया आर फाउंड इन द माउंटेनियस हैबिटेट्स ये भी आपको पता होना चाहिए नीलगिरी रिजर्व के बारे में आपको पता ही है क्या फैक्ट है है ना और दीज आर द थिंग्स विच आर देयर लेट मी टेल यू सम बेसिक फैक्ट्स अगेन एलिफेंट रिलेटेड कुछ फैक्ट है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है याद रखेगा एंड दो तरीके के बेसिकली हमारे यहाँ पे स्पीशीज़ हैं एक एशियन एलिफेंट है दूसरा अफ्रीकन एलिफेंट है एशियन एलिफेंट के तीन सब स्पीशीज़ हैं जिसमें इंडियन सुमात्रन और श्रीलंकन आते हैं इंडियन सुमात्रन एंड श्रीलंकन जिसमें कि आयुसन के हिसाब से ये इंडेंजर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल वन स्पीशीज़ है अफ्रीकन में भी दो स्पीशीज़ हैं अफ्रीकन में सवाना है और एक फॉरेस्ट एलिफेंट है ये वलरेबल होते हैं अभी कोतसवाना में एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी तो ये आपको फैक्ट याद रख सकते हैं एलिफ़ेंट कॉरिडोर एक ऐसा स्ट्रैच होता है फॉरेस्टेड या फिर अदरवाइज लैंड जो कि कनेक्ट uh, करता है लार्जर हैबिटाइट विद द एलीफेंट लार्ज हैबिटाइट को एलिफेंट से कनेक्ट करता है एंड कंडविट की तरह काम करता है फॉर एलिफेंट मूवमेंट बिटवीन द हैबिटैट्स एक ह्यूमन uh, और एलिफेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है एंड लगभग एटी एट आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं इंडिया में जिसको आप समझ सकते हैं बीस uh, में से साउथ इंडिया में है ट्वेल्थ नॉर्थ वेस्टर्न में है ट्वेंटी सेंट्रल में है फोर्टीन नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल नॉर्थ नदन वेस्ट बंगाल में है एंड ट्वेंटी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है एडिटोरियल पार्ट में आते हैं पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एंड अप लिंकिंग हब अब यहाँ पे आप सबको पता होगा रिसेंटली दो तीन डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको पहले बता लेट मी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट्स फर्स्ट तो दो मेजर डेवलपमेंट की बात ऑथर करते हैं यहां पर पहला तो दो में केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स जो है उनको अमेंट किया गया था केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स नाइनटीन को अमेंट किया गया था और उसमें एक स्टेट्यूटरी मैकेजम इन्वॉल्व किया गया है फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट ऑफ व्यूअर्स रिलेटिंग टू कंटेंट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट बाय टेलीविजन चैनल्स तो टेलीविजन चैनल्स के द्वारा जो कंटेंट आ रहा है उसके खिलाफ व्यूअर्स अगर चाहें तो कंप्लेंट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग उसकी प्रो उसकी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग उसके कंटेंट के रिगार्डिंग ये एक ग्रीवेंस को एड्रेसल का मैकेनिज्म है जो कि लाया गया है टू में केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स नाइनटीन को अमेंड करके केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स नाइनटीन को अमेंड करके ठीक है ना दूसरा ऑथर ने इंपॉर्टेंट कहा है कि 2022 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स फ्रॉम इंडिया चैनल्स को अपलिंक करना और चैनल्स को डाउनलिंक करना दोनों की जो जो है इंडियन टेलीविजन चैनल्स कर सकते हैं अपलिंक का मतलब क्या होता है लिंक फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन अप टू अ सैटेलाइट एक ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक की लिंक और डाउनलिंक का मतलब क्या होता है एक सैटेलाइट से किसी रिसीवर स्टेशन तक की लिंक है ना तो ये दोनों की फैसिलिटी अब इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगा दिस इज वॉट हैज बिन सेड इन दिस आर्टिकल अब देखो कैसे करेगा यहाँ पे सिंपल सी बात थोड़ा मैं आपको चीजें बता दूंडेड केबल टेली जन नेटवर्क रूल्स जो है इट ब्रिंग्स अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम फॉर एंड मेक्स ब्रॉडकास्टर एंड एंड देयर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज पहला तो मैंने आपको बता दिया केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स कमेंड किया गया है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम सेटअप किया जाएगा फॉर ग्रीवेंस रिटर्सल और ब्रॉडकास्टर्स जो रहेंगे और उनकी जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज रहेंगी वो ज्यादा अकाउंटेबल रहेंगी एंड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगी दिस इज वॉट हैज बिन सेट दूसरी चीज जो पॉलिसी गाइडलाइंस है अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग की वो इंडिया को एक अपलिंक डाउनलिंक हब बनाना चाहता है अब अपलिंक का मतलब क्या है मतलब आपको कोई चैनल शोकेस करना है ना तो पहले आपको रिसीवर एक स्टेशन से ग्राउंड स्टेशन से पहले उसको सेटेलाइट तक अपलिंक करना पड़ेगा फिर वहाँ से वहाँ जो रिसीवर स्टेशन से वहाँ से डाउनलिंक करना पड़ेगा ठीक है ना तो ये जो फैसिलिटी इंडिया की है ये अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि फॉरन चैनल्स को भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं ठीक है ना पहली बार ये जो फैसिलिटी इंडिया में आई थी तो उसको टी टुडे टूडे है टीवी टूडे नेटवर्क आज तक जिसका है उसने इंडिया में पहला प्राइवेटली अपलिंग डाउनलिंग स्टेबलिश किया था और खुद का आज तक ट्वेंटी फोर सेवन उसने रन करना शुरू किया था इसी के बेसिस पे टेलीविज़न इंडिया में 1959 में आया तो या को पता होगा टेलीविज़न इंडिया में 1959 में आया और ये ब्रॉडकास्ट करना चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करना बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम और बहुत ज़्यादा ये एक एक्सपेंसिव अफेयर है बहुत इजी और बहुत सिंपल अफेयर नहीं है है ना एंड ब्रॉडकास्टिंग इज़ एक्सपेंसिव एंड कम्बरसम एंड अब जो है इंडिया अगर ये चीज़ कर पाएगी तो ऑब्वियसली आता है इट कैन बिकम अ हब फॉर द अदर कंट्रीज़ ऑल्सो एंड ना केवल ऐसा होगा बल्कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब कहना चाहिए कि डेफिनेटली इट कैन बेनिफिट अ लॉट है ना और ये फैसिलिटी जो अपलिंग कर इंडियन सॉइल से ही पहली बार जब आई थी इट वॉज मेड अवेलेबल थ्रू द विदेश संचार निगम लिमिटेड वी एस एन एल बोलते थे विदेश संचार निगम लिमिटेड और इसके गाइडलाइंस अलग अलग टाइम पर आए हैं दो हज़ार में आए हैं फिर दो हज़ार दस में आई थिंक आए हैं है ना दैन टू थाउजेंड में आए थे गाइडलाइंस फिर उसके बाद अभी 2022 में गाइडलाइंस आए हैं फॉर अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ़ द चैनल्स ठीक है ना तो ये है जो है इंपॉर्टेंट है इसके अलावा एक क्लॉज और डाला गया है इस बार अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग में कि लगभग आधे घंटे का आपको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी मतलब कि सोशल इंपॉर्टें सोशल रिलिवेंस या नेशनल इंपॉर्टेंस के थीम्स में लगभग तीस मिनट का आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ये भी आप याद रखिएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के बेसिस पर ठीक है अच्छी न्यूज थी आ, आगे बढ़ते हैं इंडिया प्लान्स टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन मैंने कल आपको वैसे बताया था ग्रीन हाइड्रोजन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया स्टार्ट कर रहा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उन्नीस हजार आ, करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट है ये उन्नीस हजार सात सौ चौलीस करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें दो इसके सब प्लान्स हैं दो सब प्लान में कौन कौन से हैं सब मिशन में पहला साइट मिशन है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम ये फंड करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन ठीक है ना ये फंड करेगा डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग को एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन सेकेंड है टू सपोर्ट द पायलट प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग एंड यूजर सेक्टर्स एंड प्रोडक्शन पाथवेज है ना तो दूसरा जो है वैंड यूजर और पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा बेसिकली तो ये एक, एक तो साइड मिशन और दूसरा सब मिशन है तीसरा एक इंपॉर्टेंट टारगेट जो इंडिया ने सेट किया है वो 2030 तक सेंटर होप्स टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सिमेटली टू ब्रिंग इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज वर्थ एट ट्रिलियन रुपीज एंड टू क्रिएट ओवर सिक्स लैक जॉब्स ये इसका दूसरा एम भी है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का तो ये भी एक एम है जो कि इंडिया फुलफिल करना चाहता है फ्रॉम दिस दो तक ये तो आपको पता ही कि हमने ऑलरेडी आई में वो किया है प्रॉमिस कि हम 45 परसेंट जो आ, अपने जो रिड्यूस करेंगे एनर्जी एमिशन इंटेंसिटी को जीडीपी डी पी बाई ट्वेंटी फोर फोर्टी फाइव परसेंट बाई टू थाउजेंड थर्टी फ्राम टू थाउजेंड फाइव लेवल है ना तो ये भी हमारा एक एम है जो कि हम पूरा करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कितनी बार हमने बता दिया वो डिस्कस नहीं करेंगे अपन अब जापान अब क्या कर रहा है वहाँ पर जापान टोक्यो से लोगों को बाहर जाने के लिए गाँवों में जाने के लिए छः लाख रुपये लगभग यानी कि वन मिलियन येन लगभग दे रहा है येन उनकी करेंसी है छः लाख रुपये के लगभग ये अमाउंट पड़ता है तो वहाँ पर जापान अपने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया से लोगों को बाहर जाने के लिए गाँवों में भेजने के लिए छः छः लाख रुपये दे रहा है ठीक है ना अब ये क्यों दे रहा है ऑब्वियस सी बात है रीजन इसका ये है कि लोग गांवों से बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर चुके हैं और जैसे ही गाँव से माइग्रेट करेंगे ऑब्वियस सी बात है जो एसेंशियल ह्यूमन सर्विसेज हैं वो गांवों में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे अब भाई लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन अवेलेबल करेगा दूसरा जो अर्बन सेंटर है ये टोक्यो सेंटर है इस पर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर भी पड़ रहा है इस रीजन पर पड़ रहा है तो दैट इज़ अनदर इशू विच इज़ देयर है ना सो दैट दैट इज अ थिंग अब ऑथर ने ये ये चीज़ बता दी अब वंस पीपल मूव आउट फ्रॉम लोकल इकोनॉमिक फ्रॉम लोकल एरियाज द इकोनॉमिक डिक्लाइंस देयर है ना लोकल एरिया से जाएंगे तो इकनॉमिक डिक्लाइन करेगी दूसरा जो ओवर कंसनट्रेशन है इनका टोक्यो मेट्रोपोलिटन एरिया में वहाँ पर बहुत सारे uh, जो डिजास्टर्स हैं ये हैजर्ड्स हैं इनके पॉसिबिलिटी बन जाती है तो ये ओवर कंसनट्रेशन जो टोक्यो रीजन में है उसमें काफ़ी ज़्यादा uh, आपके अर्थ को की एंड ऐसी प्रोन प्रोन रीजन है तो उसकी फैसिलिटी पॉसिबिलिटी बन जाती है और जब ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका नुकसान भी होगा है ना तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी देयर तो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है जो मैंने आपको बताई आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट आप इसको याद रखेंगे ठीक है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आ, पारसनाथ प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया फॉर द टाइम बिंग बीग यहाँ पर झारखंड के में पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है आपको पता होगा पारसनाथ हिल भी है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको अभी स्टॉप कर दिया गया है आ, लोगों के वहाँ पे जो मतलब अनशन था उसको देखते हुए इसको भी बंद किया गया तो इसको आप याद रखेगा यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है टी को एक टेरर आउटफिट टी क्या है द रजिस्टेंस फ्रंट द रजिस्टेंट फ्रंट एक फ्रंट है लश्कर ए तैयबा का विच इज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर यू अब इसके अंतर्गत इन्होंने टी कहने कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को भी डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई होप यू गॉट क्लैरिटी आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है यूजीसी एनव्हील्स ड्राफ्ट नॉर्म्स टू अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेटअप अप इन इंडिया यहां पे यूजीसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज जिनकी रैंकिंग 500 ग्लोबल रैंकिंग के अंदर है टॉप 500 रैंक तक के हैं उनको इंडिया में कैंपस खोलने की परमिशन दी है अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि 90 दिन का अप्रूवल प्रोसेस रहेगा लगभग 90 डेज़ अप्रूवल प्रोसेस विल बी देयर इसके अलावा जो मतलब पहले कमेटी है पहले फोर्टी फाइव डेज तक का टाइम मिलेगा यू जी की एक स्टैंडिंग कमेटी रहेगी है ना स्टैंडिंग कमेटी के पास उसके बाद फोर्टी फाइव डेज़ का टाइम दोबारा मिलेगा जो नेक्स्ट लेवल है ठीक है ना तो मतलब नब्बे दिन में अप्रूवल देना पड़ेगा और और इनिशियल जो अप्रूवल रहेगा वो दस सालों के लिए रहेगा एक्सटेंड करने की उसमें वो रहेगी इसके अलावा फ़ीस जो रहेगी वो रीज़नेबल रहनी चाहिए कैंपस जो है उसमें इंडियन टीचर्स भी हो सकते हैं फॉरेन के टीचर्स भी हो सकते हैं क्वालिफिकेशन उनका वही होगा जो वो अपने कंट्री में अवॉर्ड करते हैं एंड द कोर्स कैन नॉट बी इन ऑनलाइन ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड इस फॉर्म में आप नहीं दे सकते तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज So that is it for the day, friends. Keep loving us, keep sharing us. Thank you, and have a nice day.